नमस्कार। तो भाई कुछ लोगों की गलत आदत ऐसी हो जाती है कि कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में एक लड़का और एक लड़की को खड़े हुए देख लेते हैं तो गलत सोच बना लेते हैं। अमूमन इसी तरीके का केस आया है भाई राहुल गांधी को लेकर। असल में राहुल गांधी उज्बेकिस्तान गए हैं किसी दौरे के दौरान, चुनावी दौरा कह सकते हो आप या फिर कुछ और। तो उस कारण वे उज्बेकिस्तान में गए हैं और उज्बेकिस्तान से उनकी यह तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में ऐसा कुछ आपको देखने को नया नहीं मिलेगा, सिर्फ वहां पर तस्वीर में आपको एक लेडी खड़ी हुई दिखाई देगी, एक आदमी और राहुल गांधी जी, और मार्क देख सकते हो आप, लेडी के ऊपर मार्क कर रखा है। तो एक यूजर ने इस पर ऐसा लिखा, भारत में चुनावों के बीच राहुल गांधी एक और अचानक गुप्त यात्रा पर गए, इस बार उज्बेकिस्तान की। राहुल गांधी के साथ भूरे रंग की शर्ट वाली यह महिला कौन है? भारत के खिलाफ एक और टूलकिट की उम्मीद। राहुल गांधी के पास उत्तर देने के लिए बहुत कुछ है। इस तरह की भाई गलत अफवाह से उस व्यक्ति और औरत दोनों के चरित्र पर गलत सवाल उठ जाते हैं। तो इस बात पर लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनाटे लिखते हैं, किमवीट संगी और 2 रुपए भाजपा ट्रोल, मुझे आप पर दया आती है क्योंकि आपके पास न तो दोस्त हैं और न ही ऐसे लोग हैं जो आपके साथ घूमना पसंद करते हैं। तस्वीर में दिख रहे सज्जन राहुल गांधी के बचपन के दोस्त अमिताभ दुबे हैं। जो व्यक्ति हैं वे अमिताभ दुबे राहुल गांधी जी के दोस्त हैं और महिला अमिताभ की पत्नी अमूल्या है। तुम दुखी हारे हुए लोगों को जीवन मिलता है, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो बिना कुछ सवाल बना देते हैं, क्योंकि यह तस्वीर बेमतलब ही कल से भाई बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। पता नहीं ऐसा इस तस्वीर में ऐसा क्या देख लिया लोगों ने भाई। एक सिंपल सी तस्वीर है, राहुल गांधी है, उनके फ्रेंड है और उनकी वाइफ है, फ्रेंड की वाइफ है। इसमें ऐसा कुछ नया देखने को आपको नहीं मिला है। इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर।